नमस्कार दोस्तों, सभी जानते हैं कि शुक्रवार का दिन धन धान्य की देवी माँ लक्ष्मी का है। इसका सीधा तात्पर्य ये है कि इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करके उन्हें बड़े ही सरलता से प्रसन्न किया जा सकता है। आपको बता दें कि शुक्रवार को दही जरूर खानी चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार माँ लक्ष्मी को सफेद रंग बहुत प्रिय होता है। शुक्रवार को माँ लक्ष्मी को सफेद चीजों का भोग लगाना शुभ माना जाता है। माँ को सफेद चीजों का भोग लगाने के साथ ही खुद भी सफेद रंग से बनी हुई चीजें खाना अच्छा माना जाता है। दूध का रंग सफेद होता है और दूध से बनने वाली अधिकतर चीजों का रंग भी सफेद होता है। इस नाते शुक्रवार को दूध, दही व उनसे बनी अन्य चीजों का सेवन करना फलदायी साबित हो सकता है। अगर आप इस बात का ध्यान रखेंगे और सफेद चीजों का सेवन करेंगे तो निश्चित ही धन संबंधी परेशानी दूर हो जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें, व्यक्ति को अपना पर्स कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार खाली पर्स रखने से धन का नुकसान होता है और पैसों की आवक रुकती है, इसलिए हमेशा अपने पर्स में कुछ पैसे जरूर रखें। वास्तु शास्त्र के अनुसार धन हानि से बचने के लिए कभी भी फटी जेब वाले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ऐसे कपड़े पहनने से इंसान के पास जितने भी पैसे आए पर टिकते नहीं हैं। तो वहीं आपको बता दें कि कमल गट्टे की माला को धारण करने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसती है। अगर आप पैसा कमाने की इच्छा रखते हैं तो आपको कमल गट्टे की माला से अवश्य ही लाभ होगा। कहते हैं कि कमल के पांचों अंगों में देवी कमला का वास होता है। देवी कमला को कमल का हर एक अंग प्रिय है, लेकिन इन्हें सर्वाधिक प्रिय है कमल का बीज अर्थात कमल गट्टा। लेकिन कमल गट्टा की माला पहनने के कुछ नियम भी हैं, जिनके बिना ये उतना फलदायी साबित नहीं होता। कमल गट्टे की माला धारण करने के लिए शुक्रवार के दिन सुबह स्नान करने के बाद 108 बार ओम श्री श्री महालक्ष्मीयाय का जाप करें और फिर इस माला को धारण करें। कुंडली टीवी डेस्क से दीक्षा गुप्ता की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।